हेलो एवरीवन, दिस इज जतिन गोयल। सो हमने राम जी का पोर्ट्रेट बनाया था, जिसके लिए हमने ड्रॉ तो कर चुके थे। और अगर इसकी आपने प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें किस तरीके से ड्रॉ करेंगे और कौन सा मैंने ऐप यूज़ किया है ड्रॉ करने के लिए, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं और इसमें कलर करना स्टार्ट करते हैं, और आखिरी तक वीडियो को वॉच करें, इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। सो ये हमारी नीड रेजर है, मैंने निकाल लिया था इसको, ये देख सकते हैं फेबर कास्टल कंपनी की है और ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 50 रुपीज़ के अराउंड मिल जाएगी आपको। और ऑनलाइन इसकी प्राइस मुझे नहीं पता, सो इसे इरेज कर लेते हैं हम। इरेज एक तरीके से ये जो डार्कनेस है वो हटा लेंगे हम पेंसिल का, इस तरीके से इरेज कर सकते हैं इजीली। और इससे क्या होता है कि डस्ट प्रोवाइड नहीं होता, जैसे कि आपने इरेजर का डस्ट देखा होगा तो वो इससे नहीं होता और इजीली इरेज हो जाता है, ये देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़ोटो रेफरेंस तो आपको पता ही है, प्रीवियस वीडियो में मिल चुका था, और अगर आप ड्रॉ के लिए देखना चाहते हैं तो उस पर जाके देख सकते हैं। एक बार और स्क्रीन पे अगर आपको दिखा है तो मैं दिखा देता हूँ। अब हम वाटर कलर करने वाले हैं, जो कि मैं कैमलिन ब्रांड के यूज़ करने वाला हूँ, इन्हें केक कलर भी कहते हैं। इसमें 24 शेड है और इसका मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा किस तरीके से है ये और कितने मैंने परचेस किए हैं। तो फिलहाल अभी हम इसमें लाइट लाइट शेडिंग कर लेते हैं इनसे। डिटेलिंग हम बाद में करेंगे, इसमें पहले फर्स्ट टोन, सेकंड टोन और थर्ड टोन डालेंगे।
होप आपको वर्क अच्छा लगा हो और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको वॉच करें, इससे आपको नॉलेज मिलेगी किस तरीके से ड्रॉ करें ग्रिड मेथड से। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।